to his stumps. His team was Andrew Strauss, key wicket. Capitulated again. Different now. Pakistan have brought home a sensational inning by Abdul Razak. जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट नहीं, उन लोगों को जवाब दे रहे हैं खिलाड़ी खुद। पाकिस्तान को फेवरेट अगर कोई कह रहा है कि नहीं है तो वो उस बारे में मैं यही कहूँगा कि वो उनकी सोच जो है वो थोड़ी गलत है। ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मुझे कहेंगे कि ये पाकिस्तान फेवरेट नहीं है। हम लोग सब टीमों के लिए मुश्किल होंगे, हमारे लिए कोई टीम मुश्किल नहीं है लेकिन हम सारी टीमों के लिए मुश्किल होंगे। जवाब तो उसको मैं उस वक्त दूंगा ताकि उसको पता चले कि नेक्स्ट टाइम इसको किसी को कुछ कहना नहीं है। मेन ये है कि टीम जो है ना हमारी सबसे अच्छी टीम है। वो सारे हमारे दिल से दुख है, हमने फेवरेट करार कर दिया और इंशाल्लाह ताला जीत के आएंगे। जिन्होंने कहा है वो इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे, चार सेमीफाइनल में पाकिस्तान भी होगी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह ने चाहा पाकिस्तान की दुआएं हुई, फाइनल में भी पाकिस्तान होगा। They call us a dark horses and underdogs and I don't think that we are underdogs. Probably we are underdogs or we probably are the one of the dark horses in the World Cup race right now. Sometimes ये भी होता है कि फेवरेट ना हो तो अच्छा होता है, क्योंकि 92 में पाकिस्तान कहीं भी नहीं था, कोई फेवरेट नहीं था, तो इसलिए समटाइम इट हेल्प्स कि कोई प्रेशर जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। आप बड़ी काम कलेक्टिव क्रिकेट खेलते हो, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हो, आपको डर नहीं होता हारने का। हमारे सब लड़कों का यही एम है, यही जज्बा है, इसलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो लास्ट सीरीज जीते हैं उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा टीम को। नहीं, ये तो अनड्यू प्रेशर हो जाता है ना कि जी वो है, बेहतर है कि आप जाएँ और लंबी प्लानिंग ना हो, मैच टू मैच आप खेलें। आई थिंक राइट नाउ द पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस साइड that you can ever come across. We have the full batting lineup, openers, bowlers, keepers, all-rounders, fast bowlers. We have a set of the battery of everything. जब आप favourites होते हो तो आपके ऊपर बहुत सारे pressures आ जाते हैं कि जी सारी दुनिया देख रही है, they are the favourites. So I think one way is good that we not the favourites, but we nobody can write us off also. बिल्कुल ऐसे ही 2009 के वर्ल्ड कप में समझा जा रहा था पाकिस्तान टीम को, 2007 के वर्ल्ड कप में समझा जा रहा था। अल्लाह का शुक्र है फाइनल खेलने हैं, फाइनल जीते तो नहीं, फिर 2009 में फाइनल जीते हैं T20 का। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 2011 के वर्ल्ड कप में फाइनल खेलें और जीतें भी। जनरली पाकिस्तान हैज़ अ वेरी फेयर चांस टू विन दिस वर्ल्ड कप, एटलीस्ट क्वालिफाइंग द सेमी फाइनल्स एंड द फाइनल शुड बी रिटन ऑन द कार्ड्स, बट वी हैव टू प्ले वेल इन ऑर्डर टू गेट देयर। हम नंबर वन हैं, चाहे नहीं भी हैं मगर हम नंबर वन है, अपने दिल में हम नंबर वन है। हम इसका 100% दे के प्रूफ वर्ल्ड कप में देंगे इंशाल्लाह। खिलाड़ियों को ललकारने का रद्द अमल तो आपने देखा, अब उनसे जानते हैं वर्ल्ड कप में कामयाबी के लिए उनका हदफ। वर्ल्ड कप में यही है कि बस अपनी टीम की तरफ से अल्लाह ने चाहा तो टॉप स्कोरर भी रहूँगा, अच्छी विकेट कीपिंग भी करूँगा, सब टीमों से बेस्ट विकेट कीपर भी होऊंगा इंशाल्लाह। जैसे 2020 में मेरा अहम रोल हुआ था पाकिस्तान की टीम की तरफ से, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इस तैयारी से फिर इस वर्ल्ड कप में जाऊँगा और पाकिस्तान की जीत में इंशाल्लाह ताला मेरा अहम रोल होगा। वो ओवरऑल तो माशाल्लाह सबका ही रोल होगा, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैंने अपने कोई पर्सनली गोल सेट किए, इंशाल्लाह वो पूरी दुनिया देखेगी मेरे गोल। ये नहीं कहूँगा कि मैं इतने आउट करना चाहता हूँ, ये इतने रन्स करना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं अभी पर्सनल अपना एक मैंने माइंड सेट किया है या अपना एक गोल सेट किया है वो ये है कि मैंने वर्ल्ड कप के 3 मैचेस के अंदर इंशाल्लाह मैन ऑफ द मैच बनना है और पाकिस्तान के लिए जितनी भी कामयाबियाँ हासिल कर सकूँ वो है, लेकिन 3 मैचेस में जब मैं मैन ऑफ द मैच बनूँगा तो इंशाल्लाह 3 मैच मैं जितवाऊँगा। अगर इस तरह कंडीशन में मेरी बैटिंग आई जहाँ पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत है तो बिल्कुल सिचुएशन के लिहाज से बैटिंग करूँ और मेरा गोल यह है कि सेंचुरी, एक या दो सेंचुरी वहाँ पे स्कोर करूँ इंशाल्लाह। जो मेरा गोल है वो यही है कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाऊँ और उसके लिए मुझे ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं मैन ऑफ द सीरीज़ जो है वो अवार्ड सबसे ज़्यादा आउट पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो टीमें उनमें सबसे ज़्यादा मेरे आउट हो और ये एक मैसेज भी जाएगा पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान टीम जो है वो अभी भी दे आर द बेस्ट इन प्रोड्यूसिंग द फास्ट बॉलर्स। क्योंकि मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा मैच को चलाना होता है तो सिचुएशन के लिहाज से खेलना पड़ता है। इंशाल्लाह जब भी इंडिया की टीम सामने आएंगी सेमीफाइनल या फाइनल में तो इंशाल्लाह मेरा टारगेट ये होगा कि मैं सचिन को आउट करूँ। खुशी होती है जो टॉप की टीम है, इंडिया जैसे है, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, तो
खुशी होगी कि यार मैच में अच्छा परफॉर्म करूँ इन टीमों के खिलाफ। ज़रा ये वर्ल्ड की बेस्ट टीम है साउथ अफ्रीका, ये बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करना मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा लगता है और इनक्रेजमेंट होती है, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। जिस तरह इससे पहले वसीम भाई वगैरह ने नाम कमाया, विकी भाई ने, उन लोगों ने परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में, तो मैं भी यही समझूँ कि इंशाल्लाह मैं पहले टूर है मेरा और वो भी वर्ल्ड कप है, तो इंशाल्लाह मैं इसमें इतना परफॉर्म करूँगा कि लोग मुझे याद रखेंगे। आई एम नॉट टारगेटिंग नो वन, आई एम नो वन टू टारगेट अबाउट इट, बट आई एम जस्ट टारगेटिंग माय गोल्स कि इफ आई कुड मैनेज टू बॉल वेल एंड आई कुड मैनेज टू गेट पीपल आउट और get my team to put on the winning streak, so that's going to be, I think it's going to be one of heck of a show for me. So I think it's winning is very more important for me. Last time India ke khilaf khela tha aur Sehwag aur khair Gautam ko out kiya tha, lekin thoda expensive bhi raha tha main, to wo aise players hain jinke khilaf main ek dafa phir perform karna chahunga aur Pakistan ko unke khilaf jitana bahut zaruri hai.